मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूँ बी रेड विजन क्लासेस में। चलिए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पॉलिटी का जो पार्ट कंप्लीट किया था उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। एक तो कुछ लोगों को मेरे पास में मैसेज आते हैं, ठीक है, फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं या मेल कर देते हैं कि हम लोगों को प्रॉपरली वीडियो नहीं मिल पा रही है। तो एक काम कीजिए, इस वीडियो के नीचे जो ये चैनल का नाम दिया गया है बी राइट विजन क्लासेस, उस पर आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। वीडियोज़ में जाएंगे वहाँ पे आपको हर एक वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है, आपको इस तरीके से भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंड, ये चैनल आपके लिए फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वॉलंटियर, अगर आप लोग कुछ ग्रो कराना चाहते हैं कि हम लोग भी ग्रो करें ताकि हम लोग आपको ग्रो करा सके, तो नीचे मेरा पेटीएम नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, स्वेच्छा से या वॉलेंटियरी आप जो चाहे वो उस पर सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे, आज हम लोग पढ़ लेते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। मैंने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बता ही दिया था कि प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया था, ये आप लोगों को पता है। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। प्रीएम्बल की लैंग्वेज कहाँ से ली गई थी? आपको ये भी पता है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। प्रीएम्बल हम लोगों को जो दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी कहीं ना कहीं से हम लोगों ने लिया होगा, ठीक है, उसको देखा होगा, वो आपको पता ही है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लैंग्वेज है उसकी। सबसे पहले जो आया था कि बेरुबारी यूनियन ने 1960 में सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये बोला था कि जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो संविधान का रूप नहीं है, ना ही संविधान का ये क्या है, हिस्सा है, भाग है। तो क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये मान लिया था और उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया था कि नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती 1973 वर्सेस केरला स्टेट ने ये साबित किया कि नहीं, ये जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये एक अमेंडेबल है, ये बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इस पे कुछ एडजस्टमेंट की जा सकती है, एडप्ट किया जा सकता है। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का मूल ढांचा किसने दिया था, तो किसने दिया था, केशवानंद भारती ने ये दिया था। और केशवानंद भारती ने 1973 में जब ये बात कही थी तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे आप लोगों के लिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंज हुए थे, अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है, हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस में ये क्रिएट किया गया और प्रीएम्बल को सिर्फ एक ही बार आज तक, ओनली वंस अमेंड किया गया है, ठीक है। चलिए, वो क्या क्या अमेंडमेंट है, उसमें क्या क्या एडअप किया गया था, हम एक बार उसको देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी, उसमें क्या क्या एडअप किया गया था हमारे प्रीएम्बल में, तो वो था इंटीग्रिटी ऑफ नेशन यानी अखंडता, भारत की अखंडता, जो हमारा यूनियन है, जो नेशन है उसकी अखंडता। सेकुलर डेमोक्रेटिक यानी पंथ निरपेक्ष, कोई भी एक धर्म का प्रभुत्व नहीं है, कि मतलब ये धर्म ऊपर है ये नीचे, सबको बराबरी का हिस्सा दिया गया है, बराबरी की बात कही गई है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, ये तीनों के तीनों एडप्ट किए गए थे यानी अमेंड किए गए थे। सॉवरिन यानी प्रभुत्व संपन्न, ये ओरिजिनली पहले से ही प्रीएम्बल में था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हो गया। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और ये ही मोस्टली बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस समय पे 365 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे जो 8 पार्ट्स में थे और 22nd स्केड्यूल थे, ठीक है। लेकिन क्या किया गया बाद में, इसको थोड़ा सा
चेंज किया गया और चेंज करने के बाद, सॉरी ये गलत हो गया, ये 8 स्केड्यूल्स थे, सॉरी, और ये 22 पार्ट्स थे। क्या दिमाग में घूम रहा है आज। ठीक, 395 हमारे पास में आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। लेकिन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद जो स्केड्यूल्स हैं वे 12 हो गए, जो पार्ट हैं वो फिलहाल 25 हो चुके हैं, 4A कुछ इस तरीके से, 14A आगे पढ़ाएंगे जब पता चलेगा, और आर्टिकल आज की डेट में 448 हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? ठीक है, अनुच्छेद 448 भाग 25 और स्केड्यूल यानी 12। ठीक है, चलिए अब इन्हीं पे ही बात करेंगे आज हम, पार्ट्स में बात करेंगे, कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनमें किन किन आर्टिकल्स पे फोकस ज्यादा करना है वो सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोगों के पार्ट कौन कौन से हैं। पार्ट वन में जो दिया गया है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं उसके क्षेत्र। ठीक, पार्ट टू में दिया गया है सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और पार्ट थ्री में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकार। जो पार्ट वन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उसमें दिए गए हैं 4 आर्टिकल, 1 से लेके 4 तक। पार्ट टू जो सिटीजनशिप है नागरिकता है, उसमें दिए गए हैं 5 से लेके 11 आर्टिकल, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें दिए गए हैं 12 से लेके 35 आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आज हम इन्हीं को ही पूरा कर पाए, उसके आगे अगले भाग में देखेंगे जो भी हमारे पार्ट्स होंगे वो सब। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग पार्ट वन से, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी संघ एवं उसके क्षेत्र। इसमें आर्टिकल वन की अगर बात करें तो आर्टिकल वन कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। इसका जो मतलब है वो है कि जो भारत है वो राज्यों का समूह है, ना कि अलग अलग राज्यों से मिलकर बना एक देश। जैसे अमेरिका, अमेरिका में क्या है उसकी जितने भी स्टेट्स हैं वो सब अपने आप को एक सिटीजनशिप देके चलते हैं, देन उसके बाद अमेरिका की सिटीजनशिप है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे क्या है सिंगल सिटीजनशिप है। जो मैंने आपको बताया था सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम लोगों को इंग्लैंड से मिला है, आप लोगों को पिछले इसमें मैंने जब सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाए थे वहां पर मैंने आपको ये बताया था, उसी में ही हम लोग क्लियर करते हैं। तो आर्टिकल वन कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का समूह है, आर्टिकल एक। आर्टिकल दो कहता है एडमिशन ऑफ स्टेट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, नए इस राज्यों का एडमिशन, प्रवेश। ठीक है, तो ये क्या कहता है एडमिशन ऑफ स्टेट्स, न्यू स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो भी आप कहना चाहें। इसके बाद बात आती है आर्टिकल थ्री की।
आर्टिकल 3 कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, आर्टिकल 3 के अंदर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना, किसी भी स्टेट की बाउंड्री घटाना बढ़ाना, किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट में विलय कर लेना या नया स्टेट बनाना या नए स्टेट का नाम बनाना या नया स्टेट का कोई भी एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी किसी भी प्रकार का, वो सब आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये लिखने की नहीं तो आप अपने आप से इसको आप एडप्ट कर लेंगे कि आर्टिकल 3 में बेसिकली आता क्या है। ठीक है, आर्टिकल 4 में आता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो लिखा है उसकी लॉज जो बनाई गई हैं, जो पावर्स बनाई गई हैं, उनको एनेक्टेड रखना, पावर में रखना, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को चारों की चारों चीजें याद हो गई हैं। ठीक, अगर चाहे तो आप, मैं लिख भी सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री, नेम चेंज, etc. जो भी आते हैं वो सब आर्टिकल 3 में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों का जो दिया गया है वो है सिटीजनशिप, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप, नागरिकता, पार्ट सेकंड, 5 to 11 आर्टिकल्स, और वो क्या क्या हैं, किस किस प्रकार से हम अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, किस किस प्रकार से हम अपनी नागरिकता खो सकते हैं, सब चीजें बताऊंगा आगे कैसे। देखते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता, पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत हम लोगों को दिया गया था कि टाइप्स ऑफ गेटिंग इंडियन सिटीजनशिप वो 5 टाइप्स की हैं। पहली, बाय बर्थ। जैसे मेरा जन्म इंडिया में हुआ तो मैं बाय बर्थ क्या हो गया, इंडियन हो गया। अमेंडमेंट 1986 में किया गया था, वो क्या किया गया था वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बाय नेचुरलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, मतलब किसी को देशीकरण कर देना, राष्ट्रीयकरण कर देना, उसे नागरिक बना लेना, लेकिन उसके लिए कितना, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, बाय डिसेंट, वंश परंपरागत, जैसे मैं इंडियन हूं, मेरे फादर इंडियन, मेरे दादा इंडियन, मेरे आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या होंगे, सब इंडियन होंगे। नेक्स्ट, बाय रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर कोई विदेशी है या फिर कोई इंडियन ओरिजिन का है वो पंजीकरण के द्वारा भी इंडिया की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इंडियन ओरिजिन को 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया के अंदर कि मैं 5 साल से इंडिया में हूँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया है मैंने। ठीक है, और फॉरनर्स के लिए 7 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट है बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज यानी अर्जित भूभाग, जैसे हम किसी दूसरे देश को अगर अपने देश में मिला लेते हैं तो स्वतः ही उस देश के नागरिक सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इंडियन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी किस प्रकार से हम लोग गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को, किस प्रकार से हम इंडियन सिटीजनशिप को खो सकते हैं मैं वो बता देता हूं, उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखते हैं किन किन तरीकों से हम लोग अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं। पहला है इवैक्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप से निकासी दे देना, छोड़ देना। ठीक है, मैं नहीं हूं सदस्य यहाँ का। रिजेक्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी आपसे छीन सकती है, सरकार छीन सकती है, जैसे आपको देश निकाला दे दिया जाए। ठीक, और टू गेटिंग अनदर सिटीजनशिप, और अगर मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता हूं तो मेरी स्वतः ही अपने आप ही इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो हिंदी वाले एक बार लिख ले, नागरिकता की निकासी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा छीनना, और किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मैंने बताया था कि एक 1986 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें बाय बर्थ वाले में, वो ये था
कि यदि भारत में जन्मे बच्चे के माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक हो तो वह बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो ये था वो अमेंडमेंट, ठीक, और इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए देख लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं। एक बार आर्टिकल पे हम नजरें लगा लेते हैं कि किस तरीके से हैं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। 5 से 11 थे, याद रखना। पांचवे में जो कहा गया है वो कहा गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, सिटीजनशिप इन द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज लाइक या तो वो इंडिया में जन्मा हो या फिर उसके माँ बाप भारत में यानी इंडिया में जन्मे हो, मूल रूप से हो गए तो वे दोनों सिटीजन हो जाएंगे। पहला पांचवा जो आर्टिकल है वो यही कहता है। छठा और सातवां आर्टिकल सेम है, लेकिन याद रखना पहले कौन है बाद में कौन है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत है, जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनकी सिटीजनशिप के कुछ प्रावधान जो बनाए गए हैं, ठीक है, उनके लिए। 7 में भारत से पाकिस्तान जो गए हैं लेकिन 1 मार्च 1947 से पहले, उनके कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। वो समय वो क्या है वो सब नहीं पूछे जाते, बस इतना ही है। वैसे भी इसमें जरूरी जो है वो 9 है, 10 है और 11 है, इन पे ज्यादा याद रखने का कंसंट्रेट करना प्लीज। आर्टिकल 8 में कहा गया है कि भारत से जो बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ प्रावधान है, विशेष अधिकार है, ठीक है, इंडियन ओवरसीज के जो है वो सब, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 9 है कि अगर मैंने किसी अनदर कंट्री की सिटीजनशिप ग्रहण कर ली तो मेरी ऑटोमेटिकली स्वतः ही मेरे देश की इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 कहता है, ठीक है। और आर्टिकल 10 कहता है चीख चीख के कि किसी भी नागरिक का जो नागरिकता है वो बिना किसी लॉ विधि के नहीं छीनी जा सकती, ठीक है, वो किसी बिना लॉ या विधि के नहीं छीनी जा सकती। और आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून जो होंगे यानी सिटीजनशिप रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे उन्हें बनाने की शक्ति सिर्फ संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 11 बहुत बार पूछा गया, वो कहता है कि पावर टू अमेंड या मेक या कुछ भी कह सकते हो आप, जो भी है ऑन सिटीजनशिप वो किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है यानी संसद के पास में है। जितने भी कानून बनेंगे सिटीजनशिप रिलेटेड वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी आर्टिकल है, ठीक है। तो आज यहीं पे ही रोक लेते हैं, आगे के पार्ट में हम लोग फंडामेंटल राइट्स से शुरू कर देंगे। फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है और आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये तीनों एक जगह जब मिल जाएंगे हमें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।